हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कैनसन के वाटर कलर पेपर्स। तो ये है 14 वाटर कलर पेपर्स जो मुझे मिले 200 रुपीज़ को ऑनलाइन, ये आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, मैं इसकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये है 300 GSM के पेपर और ये A4 साइज के पेपर है विथ कोल्ड प्रेस। तो आपको ये हॉट प्रेस, कोल्ड प्रेस, रफ ग्रेन, ये सारे पेपर्स क्या होते हैं इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, आई बटन में मैंने लिंक डाल दिए। तो इसके पहले मैंने आर्ट एसेंशियल्स एंड ब्रिस्टो के भी पेपर्स यूज़ किए थे, तो उनके भी रिव्यूज अवेलेबल है और ये है। आगे जाके हम कंपेरिजन भी करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट वाटर कलर पेपर फॉर बिगिनर्स। तो ये देखिए, हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी कुछ इस पे ब्रांडिंग पे है नहीं ज़्यादा। ये देखिए, ये जो पेपर्स है ये मेड इन फ्रांस है, ओके। और ये इम्पोर्टेंट मार्केटेड बाय डोम्स इंडस्ट्री। आपको डोम्स पता होगा, मैंने डोम्स के पोस्टर कलर भी रिव्यू करे हैं, उसकी भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो ये देखिए, हम देखते हैं कैसे है। अभी देखिए, मैं आपको बेसिक में बता देता हूँ कि कोल्ड प्रेस, ये देखिए हॉट प्रेस सबसे स्मूथ पेपर्स होते हैं और जो कोल्ड प्रेस होते हैं वो थोड़े मिडल के बोल सकते हैं, उस पर थोड़ा टेक्सचर भी होता है और स्मूथ भी होते हैं। और रफ़ ग्रेन जो होते हैं वो सबसे रफ़ पेपर होते हैं, ओके, वो पूरे के पूरे रफ़ पेपर होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसका टेक्सचर देख सकते हो आप पास से कि कैसा है। थोड़ा थोड़ा टेक्सचर है इस पर, लेकिन स्मूथ भी है, मतलब कम्प्लीटली रफ़ नहीं और कम्प्लीटली स्मूथ नहीं है। तो इनको बोलते हैं कोल्ड प्रेस पेपर। और पेपर भी बहुत अच्छे हैं, देखो इनकी थिकनेस जो 300 GSM बताई गई है। और पेपर भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है, मतलब पैकिंग भी बहुत अच्छी है, कहीं भी फटा नहीं है, कहीं भी ऐसे मुड़ा नहीं है पेपर, नहीं तो ऐसे भी पैकिंग में होता है, लेकिन इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, कहीं भी डार्क धब्बा नहीं है। तो इसका हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस पर एक ईजी सी एक छोटी सी एक पेंटिंग बना के हम देखते हैं कि ये पेपर कैसे वर्क करता है और इसके रिजल्ट देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारी ये पेंटिंग रेडी हो गई है और ये कोल्ड प्रेस होने की वजह से पेंटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। और आप अगर बिगिनर हो तो आपको भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखो एक बाद में बिगिनर के बाद इंटरमीडिएट प्रो बनने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रफ पेपर पे भी पेंट कर पाओगे। लेकिन स्टार्ट में आपको एक स्मूथ सरफेस चाहिए, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। देखो, थोड़ा सा मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे बम्प आया है, मैंने वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ की है। मैं मोस्टली मेरे वाटर कलर पेंटिंग में वेट ऑन वेट टेक्निक ही यूज़ करता हूँ। अगर आप यूज़ करने वाले हो तो ये याद रखना कि थोड़ा सा बम्प आ सकता है, तो इतना भी ज़्यादा पानी मत यूज़ करना, क्योंकि बाकी तो बहुत अच्छा है। और कंपैरेटिवली कहूँ मैं अगर ब्रिस्टो और आर्ट एसेंशियल्स के कंपैरिजन में, तो ये जो है इसमें बम्प थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे, ये जो है, क्योंकि इतना पेपर बाकी कोई बेंड नहीं हो रहा था, लेकिन ये हुआ। बट इट्स ओके, बाकी कलर्स सारे अच्छे दिख रहे हैं, पेंट करने में मज़ा आ रहा है। और द मेन चीज़ इज़ इसका बजट। ये 200 रुपीज़ में आपको 14 शीट्स मिल जाती है जो कि A4 साइज़ वाली है और कोल्ड प्रेस है, तो डैट्स अ गुड डील, वेरी गुड डील। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको ये पेपर ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप ये पेपर खरीद सकते हो। और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में और कौन से प्रोडक्ट के आपको रिव्यू चाहिए और ये पेंटिंग आपको कैसे लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी जो पेपर की बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो के लिए।